यहाँ से पूरा आपको हर्षिल दिखेगा, और यहाँ से पूरा देखो पहाड़ दिखेंगे और रिवर दिखती है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। दोस्तों अभी है उत्तरकाशी से आगे, आपका उत्तरकाशी से आई थिंक 20 किलोमीटर आगे ये वाटरफॉल है, मनेरी वाटरफॉल। तो दोस्तों आज भी एक न्यू यात्रा शुरू हो रही है, न्यू जर्नी के लिए निकल रहे हैं, न्यू ट्रिप। और ये ट्रिप थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ अब तक कि इस ट्रिप को थोड़ा सा अलग प्लान किया है। इसमें थोड़ा कैंपिंग का भी कुछ प्रोग्राम किया है और वहीं पे कुकिंग वगैरह का भी, अगर जहाँ भी पॉसिबिलिटी लगेगी ये चीज़ हम करेंगे इस ट्रिप पे। और ये ट्रिप है दोस्तों उत्तराखंड की, जो हर्षिल वैली है। हर्षिल वैली से आगे कहाँ जाएंगे वो वहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ से हर्षिल वैली तक का अपना डिसाइड किया है, वहीं पर चलना है, जो कि 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ेगा दिल्ली से। हम हर्षिल वैली चलेंगे और अभी बजे हैं शाम के 7 इवनिंग में, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। तो दोस्तों देखेंगे वहाँ पे क्या वेदर मिलेगा हमें, कैसा मौसम है, क्या क्लाइमेट है, अच्छा है नहीं है, तो वहीं पे जाके आप बताएंगे। और अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, फुल करवा दिया है टंकी अपनी गाड़ी में, अब देखते हैं कितने का पेट्रोल है। अब बच चुके हैं 9 और हम लोग खाना खाने के लिए, अब हमें बहुत भूख लगी है तो हम खाना खाने के लिए बीकानेर पे रुके हैं, और अभी बीकानेर पे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम निकलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स मेरठ पे आ गए हैं, मेरठ शायद क्रॉस हो गया है सिटी, और टोल टैक्स आने वाला है, फर्स्ट टोल टैक्स। और रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज हवा चल रही है, जिससे कि ड्राइविंग में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और इधर किसी भी टाइम बारिश आ रही है आजकल, 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश तो दिन में भी दिल्ली में भी थी, लेकिन इधर भी आने लगी, तो थोड़ा सा ड्राइविंग केयरफुली करनी पड़ रही है। और अभी हमें आई थिंक 10-11 घंटे और लगेगा यहाँ से। अभी पहुँचे हैं और पतंजलि जो बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे वो क्रॉस किया है, और उसके बाद टोल आया है। और यहाँ पे टोल टैक्स पे लिखा था कुछ नहीं कि कितना टोल है, ये मैं अभी देख के ये बताता हूँ। 125 का टोल है दोस्तों इधर। और रास्ते में बारिश में धूल में चलते चलते गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी फ्रेंड्स, और लाइट्स पे भी कीचड़ जम गया था, तो इसलिए साफ़ कर रहे हैं धीरे से, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से साफ़ करके। और ये थोड़ा सा करना भी चाहिए क्योंकि विजिबिलिटी कितना गंदा हुआ है दिखाओ, ये देखो दोस्तों कितना इसमें कीचड़ निकला है। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस दिल्ली से हर्षिल तक की जर्नी में मॉर्निंग हो चुकी है, फर्स्ट मॉर्निंग, पहली सुबह। और ये सुबह क्यों हुई, अभी बजा है 4:30, क्योंकि 2 बजे करीब रास्ते में मौसम ख़राब है ही, आप वीडियो अगर देख रहे हो मैंने बताया था अभी, और उस वजह से बीच में रुक गए थे एक रास्ते में ही गाड़ी लगा करके किसी रेस्टोरेंट के पास, और वहाँ पे नींद आ गई थी, तो इसलिए रुक गए 2 घंटा। तो इसलिए अभी सुबह चले हैं, और हर्षिल का टाइम थोड़ा बढ़ गया है अभी पहुँचने का, तो देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। और 194 किलोमीटर अभी मैप दिखा रहा है यहाँ से, बाकी डिपेंड करता है आगे ट्रैफिक कंडीशन पे। दोस्तों हर्षिल जाते हुए अभी 160 किलोमीटर हो रहे हैं, और सड़कों की हालत देखो आप, और बहुत ही हाइट पे है इस टाइम पे, सड़क बिल्कुल टूट चुकी है बारिश में, कल बारिश भी आई थी इसलिए, तो गाड़ी भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। एमईआर की बात
दुबई में बाकी दुबई गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन चाय पीने के लिए। सुबह हो चुकी है, 6 बज रहे हैं, अब हम चाय पी रहे हैं। दिल्ली में बचा मौसम का मजाजे के साथ गर्मी से राहत। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ हो रही है और अच्छा से देखो बनाया हुआ है पूरा। ये उत्तरकाशी थोड़ा सा क्रॉस करते ही दोस्तों जाम लगा हुआ है। एक्चुअली पहाड़ों पे जाम लगना एक आम बात है, आप जगह जगह पे देखते ही है और सीजन हो तब तो टूरिस्ट का क्राउड और वैसे लोकल्स तो है ही तो जाम लग ही जाता है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ दोस्तों मैं कि उत्तरकाशी से हर्षिल तक बहुत प्यारे व्यू है। मैंने जितना भी थोड़ा सा रास्ता कवर किया है उत्तरकाशी से निकल करके तो अच्छे व्यू एकदम आने लगते हैं। ये रास्ता आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं हर्षिल के आधे रास्ते में और अभी हमें भेजा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चार धाम यात्रा के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और हर्षिल के लिए ऐसा कोई आपको जाने नहीं देंगे, कोई परमिट वगैरह कुछ नहीं है हर्षिल के। फ्रेंड्स यहाँ पे होता है चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। आप पूछोगे हमें तो हर्षिल जाना है तो दोस्तों वो इसलिए पूछते हैं यहाँ पे कि आप कुछ लोग हर्षिल जाने की बोलते हैं लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री भी चले जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करते हैं। मनेरी वाटरफॉल है दोस्तों ये, और देखो कितना तेज आता है पानी, ये इसी डैम में से पानी छोड़ते हैं, ये धुआंधार वाटर कह सकते हो इसको आप, क्योंकि धुएं के साथ में धार निकलती है। बहुत ही सुंदर दोस्तों, अभी है उत्तरकाशी से आगे, आपका उत्तरकाशी से आई थिंक 20 किलोमीटर आगे ये वाटरफॉल है मनेरी वाटरफॉल। और मैं पूरा अभी चार धाम यात्रा जो चल रही है उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी है इधर, तो वो दो तीन जगह पे रजिस्ट्रेशन आपका चेक होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन या तो ऑनलाइन बना लीजिए या फिर टाइम है तो फिर यहाँ पर आप बनवा सकते हैं। अगर आप कोई गंगोत्री यमुनोत्री नहीं जा रहे हैं, किसी भी चार धाम यात्रा पे नहीं जा रहे हैं लेकिन उसके आसपास की जगह पे आप जा रहे हैं तो वहाँ की आपकी होटल की बुकिंग चाहिए प्रिंट आउट, तो वो आप दिखा सकते हैं। मैं भी आपको ये भी बोल सकते हैं कि होटल से आप हार्ड कॉपी मंगाइए तो आप उनको जैसे भी करना अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं उसको, जो यहाँ पे चेक इन वाले बैठे रहते हैं। और हेल्थ के लिए आपका कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं तो वो भी आप करा लीजिए यहाँ पर, और जैसा भी होगा बाकी आप यात्रा मंगलमय होगी आपकी। तो दोस्तों अब हम रुक गए हैं यहाँ पे, पानी आ रहा था कहीं से और इस पानी को हम भर के अपने धन्नों को धोएंगे। धन्नों हमारी गंदी हो गई है देखो। ये देखो अब हमारी धन्नों साफ हो रही है। ठीक से साफ करो छोटू। तो फ्रेंड्स फाइनली अब पहुंच चुके हैं हर्षिल वैली। एक वैली है और आर्मी कैंट है इधर, तो वहीं पे ही पूरा नीचे रिजॉर्ट्स वगैरह या होम स्टे ज़्यादा है एक्चुअली छोटे छोटे, और GMVN का गेस्ट हाउस भी है जिसमें हमने अभी देखा है तो उसी में ही चेक इन करेंगे और अच्छा लगा इसलिए। और अब जा कर के बहुत टायर्ड है तो इसलिए अब तो रेस्ट करना है, फिर शाम को इवनिंग में निकलेंगे थोड़ा सा डिनर वगैरह के लिए या जैसे भी होगा देखेंगे उठने के बाद, और पूरी रात ओवरनाइट ड्राइव करके
अब पार्क कर दी है गाड़ी इधर ही, आर्मी का है पूरा पार्किंग सेफ है। ये GMVN जो हम बता रहा दोस्तों, ये टूरिस्ट है हाउस है यहाँ पे, अच्छा है, बिल्कुल रिवर के एकदम जस्ट साइड में है। ये अभी इवनिंग में उठे हैं खाना खा करके, अब पास पास में ही रेस्टोरेंट था एक्चुअली, तो उसी में ही डिनर करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। और मैं नाइट का व्यू अभी ये कैप्चर कर रहा हूँ GMVN गेस्ट हाउस का, ही अच्छा है। 2800 में दोस्तों टैरिफ मिला है हमें पर नाइट के लिए, तो जब भी आप आए एक बार पता कर लेना, रेट्स अप एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा होती है, ऑफलाइन बहुत कम होती है, ऑनलाइन ही बुक रहता है ये, क्योंकि लोकेशन हैपनिंग है इस गेस्ट हाउस की इसलिए। और चार्जेस ज़्यादा नहीं है यहाँ के अकॉर्डिंग, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक चार्जेज है, जिसमें कि कुछ इंक्लूड नहीं होगा, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं है आप। तो थैंक यू गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगले दिन चलेंगे हम हर्षिल से गंगोत्री, गतांगली और जो